Hello everyone, you are welcome in Rudrika classes. Our chapter is continue acid, bases and salts. Today's topic is classification of base. यानी base को हम कैसे classify कर सकते हैं. तो यदि आपने वो video देखा हो classification of acid, तो उसमें कई base पे हम acid को define कर रहे थे और उसका link आपको description में मिल जाएगा उस video के यदि आप देखना चाह रहे हैं. यहाँ पे हम बात करेंगे classification of base, ठीक है ना. तो bases are classified on the basis of concentration, on the basis of concentration, strength and acidity, ठीक है ना. थ्री ऐसे बेस हैं जिनके बेस पे हम बेस को क्लासिफाई करेंगे. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के बेस पे यदि हम अच्छा कितना कंसंट्रेशन के बेस पे बेस को क्लासिफाई करना, ठीक है. लेकिन अब कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो कंसंट्रेशन से हमने एसिड में पढ़ा था कि जब वहाँ पे क्या हो रहा था कि एच प्लस आयन का यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या हम ये कहें कि अमाउंट ऑफ एसिड इन वाटर इज मोर, यदि वाटर में अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा हो गया है वाटर से, तो वो जो सोल्यूशन होगा आपका कैसा होगा, कंसंट्रेट होगा. तो यहाँ पे भी वैसी ही बात होगी. कैसी बात होगी कि जो भी कंसंट्रेशन है वो दो तरीके से होगा कंसंट्रेशन के बेस पे. एक होगा आपका कौन सा बेस, कंसंट्रेट कंसंट्रेट बेस, और दूसरा आपका होगा डाइल्यूट बेस, ठीक है ना. तो इसमें भी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है. सीधा हमें कंसंट्रेट बेस मींस होता है कि जब अमाउंट ऑफ बेस इन वाटर इज मोर, यदि वाटर में बेस का अमाउंट आपने ज़्यादा डाल दिया. जैसे मान लीजिए आपने 50 ml वाटर लिया और उसमें जो 60-70 ml आपने बेस डाल दिया, NaOH डाल दिया. अब NaOH क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है ना. तो यदि वो सॉलिड आप उसमें डाल के उसका एक सोल्यूशन बना रहे हो, तो उसमें यदि आपने बेस का अमाउंट ज़्यादा कर दिया है तो वो कंसनट्रेट होता है. और यदि आपने उसका अमाउंट कम, कैसे 50 ml वाटर लिया उसमें मुश्किल से 2 या 3 ग्राम आपने बेस डाल दिया है, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है. यानी जब अमाउंट ऑफ बेस इज मोर इन वाटर दैट इज कंसंट्रेट, और जब अमाउंट ऑफ जो बेस है इज वेरी लेस इन वाटर दैट इज डाइल्यूट बेस, ठीक है. तो जब भी कभी कंसंट्रेट या डाइल्यूट की बात आए तो आप हमें केवल इतना ध्यान रखिएगा अमाउंट ऑफ बेस. यदि अमाउंट ऑफ बेस ज्यादा है तो कंसंट्रेट, अमाउंट ऑफ बेस यदि कम है तो वो आपका डाइल्यूट बेस हुआ, ठीक है. अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं. जो नेक्स्ट हमारा है कि बेसिस आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रेंथ. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग नेम आएगा. जैसे मान लीजिए आपने लिखा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, और दूसरा इसमें टाइप कौन सा होगा, वीक बेस, ठीक है ना. अब स्ट्रॉन्ग बेस की बात आ रही है. स्ट्रॉन्ग बेस, अब हम थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए याद करें. जो हमने आपने देखा था कि वेन ऐसे सभी एसिड्स जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, आयनाइज होकर एच प्लस आयन देते हैं, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे थे. यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस. तो सेम यहाँ भी वही कंडीशन होगी कि बेस विच इज कंप्लीटली आयनाइज, यानी जो ऐसे बेस जो आयनाइज होकर के पूरा एच ओ एच माइनस दे रहे हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन जितना उनके अंदर है वो पूरा यदि वो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है. इसमें कौन से आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा KOH सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपने लिखा NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये सभी ऐसे बेस हैं कि वाटर में जब आप डिजॉल्व करोगे तो कंप्लीटली आयनाइज होंगे. ये मतलब जितने मॉलिक्यूल आप डालोगे KOH या NaOH के सभी हाइड्रोक्साइड आयन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, कंप्लीटली आयनाइजेशन होता है स्ट्रॉन्ग, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं. यदि वीक बेस की बात हम करें तो यहां पर जैसे मान लीजिए आपने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक वीक बेस है, ठीक है. अब क्यों ये वीक बेस है, अभी मान लीजिए हम इसको डिसोसिएट करें तो आप ये देखेंगे कि CaOH होल क्लास है. आप जब इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या निकल के आएगा, Ca2+, और यहां पे क्या होगा, 2OH-, यानी एक OH- और यहाँ पे Ca2+, ठीक है ना. तो CaOH होल क्लास का मतलब Ca2+ एंड 2OH- ये डिसोसिएट हो रहा. तो आप तो ये बोलोगे कि यहाँ पे भी तो भाई इसके अंदर 2OH हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ पे इसने 2 हाइड्रोक्साइड आयन निकाल दिया, तो प्रॉब्लम क्या है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जब भी हम कभी एसिड या बेस को डिफाइन कर रहे हों, उसको बता रहे हों बेस पे, स्ट्रेंथ के बेस पे, तो हमेशा हम ये ध्यान देंगे कि जैसे मान लीजिए आपने KOH या NaOH का 100 मॉलिक्यूल लिया, तो ये टोटल 100 के 100 पूरा डिसोसिएट करेगा. यदि आपने NaOH का 100 लिया तो उधर ये पूरा 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट के 100 हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, ठीक है ना. जैसे मान लीजिए आपने COH होल क्लास का 100 मॉलिक्यूल लिया, ठीक है ना, यदि इसका 100 मॉलिक्यूल लोगे तो ये मुश्किल से 4 या 6 या कुछ भी 7-8, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कंडीशन पे, मतलब केवल इतने ही डिसोसिएट होंगे.
तो हम ये कह सकते हैं वीक बेस वो हैं जब वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो वो पार्शियली आयनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, उन्हें हम वीक बेस कहते हैं, ठीक है ना। तो जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, 100 मॉलिक्यूल के 100 मॉलिक्यूल कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन दे देता है, तो वो स्ट्रांग बेस हुआ। वीक बेस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिया तो उसमें से 7, 8, 9, 10 कुछ ऐसे ही डिसोसिएट होगा, पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, तो उसे हम वीक बेस कहते हैं। जो पूरा डिसोसिएट हो जाता है उसे हम QH या NaOH कहते हैं, ठीक है ना, यानी स्ट्रांग बेस कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है, यानी बेसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, ठीक है ना। अब बात यानी एसिडिटी है क्या, ठीक है ना। अब एसिडिटी क्या होता है, द एसिडिटी ऑफ एन बेस इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूसेस बाई अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ बेस। फिर से देखें, एसिडिटी ऑफ एन बेस इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस प्रोड्यूसेस और आयनाइज बाई सिंगल मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल से जितने हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहे हैं वो उसकी एसिडिटी को बताते हैं। अब ये तो कन्फर्म नहीं भाई, एक ही हाइड्रोक्साइड आयन होगा तो एक ही निकलेगा, दो होंगे तो दो निकलेंगे, तो इसी बेस पे इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया। फिर से एसिडिटी को देखें कि व्हाट इज एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ एन बेस इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूसेस बाई सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ बेस, ठीक है ना। तो इस बेस पे कई तरह के बने, जैसे वहां आपका एसिड में था वैसे यहां पे मोनो एसिडिक, ठीक है ना। फिर एक होता है डाई एसिडिक, ठीक है ना, और थर्ड होता है ट्राई एसिडिक, ठीक है ना। ये सभी क्या है, बेस है, ठीक है। अब हम देखेंगे मोनो एसिडिक, जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया KOH, ठीक है ना। अब इसमें कितना OH हाइड्रोक्साइड आयन है, केवल एक। आपने दूसरा एग्जांपल लिया NaOH, इसमें कितना हाइड्रोक्साइड आयन, केवल एक। जब इसका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे, केवल एक। जब एक हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा तो उसे हम बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं डाई एसिडिक बेस, जैसे मान लीजिए आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल्ड टू एस, या आपने लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होल्ड टू एस। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, जब इसका एक मॉलिक्यूल है COH होल्ड टू एस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, जब ये ब्रेक होगा तो एक मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे। यहां पे देखो MgOH होल्ड टू एस, जब ये ब्रेक होगा तो इसमें से दो हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने लिया CaOH होल्ड टू एस, इसको जब डिसोसिएट करोगे तो क्या निकलेगा, Ca2+, इसको अभी हमने पहले वाले में देखा है Ca, फिर दूसरा 2OH-, कितने OH निकल रहे हैं, 2, तो ये क्या हो गया, डाई बेसिक, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो है ट्राई बेसिक, सॉरी ट्राई एसिडिक बेस, बार बार क्योंकि जैसे बेस की एसिडिटी होती है वैसे ही एसिड की बेसिसिटी होती है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एसिड में देख लिया है, यहां हम बात कर रहे हैं बेस की। तो डाई एसिडिक बेस मतलब हो गया जिसमें दो मॉलिक्यूल निकले। अब बात आ रही है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा AlOH थाइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, या आपने लिखा FeOH3, ठीक है ना, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड के एक मॉलिक्यूल से कितने OH निकलेंगे, 3, और इसलिए हम इसको कहते हैं ट्राई एसिडिक बेस। जैसे मान लीजिए अब इसको चेक करिए AlOH थाइस, तो इसमें कितने निकलेंगे, ध्यान से देखो Al3+, इसके पास जो 3+ क्यों होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो 13 होता है एटॉमिक नंबर, 283 यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Al3+, और फिर इसके साथ कितने कितने 3 है, कितने हाइड्रोक्साइड आयन है, 3OH-, ठीक है ना। तो 3OH- की वजह से ये कितना निकाल रहा है, 3OH-, इसलिए क्या हो गया, ट्राई एसिडिक बेस हो गया, ठीक है। तो हमने अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में ये देखा, फर्स्ट तो हमने कंसंट्रेशन के बेस पे देखा, यदि कंसंट्रेशन मींस तुरंत अमाउंट पे चले जाइए कि अमाउंट ऑफ बेस ज्यादा तो कंसंट्रेट, अमाउंट ऑफ बेस यदि वाटर में कम है तो डायलूट। फिर दूसरा आपने स्ट्रेंथ देखा, स्ट्रेंथ में क्या होता है कि यदि कंप्लीटली आयनाइज होता है, ठीक है ना, पूरा स्ट्रांगली आयनाइज हो गया, कंप्लीटली आयनाइज हो गया, पूरा डिसोसिएट हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग एसिड बेस कहते हैं। और यदि वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो गया, मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल लिया, उस 100 में से केवल 7 ही आयनाइज हो रहे हैं, तो उसे हम वीक बेस बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप थर्ड देख रहे हो एसिडिटी, एसिडिटी में 3 है, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है ना। इसमें मोनो एसिडिक में आपने क्या देखा, जब किसी एक मॉलिक्यूल से एसिडिटी क्या थी, कि एसिडिटी ऑफ एन बेस इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस
बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ बेस। तो यहां पे सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ बेस से कितने OH निकल रहे, केवल एक, सो ये क्या हो गया मोनोएसिडिक बेस। दूसरा क्या था डाइएसिडिक बेस, डाइएसिडिक मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस से कितने हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहे हैं, दो, तो क्या हो गया डाइएसिडिक बेस। फिर यहां पे निकल रहा है एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस से कितने हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे, थ्री, सो ये हो गया ट्राइएसिडिक बेस। ओके थैंक यू। यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो लाइक करना प्लीज़ न भूलें, और यदि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी देखने हैं, ज़रूरत है आपको, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।